हाय फ्यूचर बर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इसी करण जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वैसे फर्स्ट चैप्टर है बट इस पीडीएफ दे विच सेकंड मेंशनड है बिकॉज़ द पीडीएफ लास्ट ईयर दी है। बट आई प्रॉमिस मैं जितना तो नु करवाऊंगी सारा अप टू डेट होएगा, अपडेट सिलेबस दे अकॉर्डिंग करवाऊंगी। जस्ट पीडीएफ मैं पुरानी यूज कर रही हूं। ओके, स्टार्ट कर दिया। देखो इस दे विच असीं पढ़ना है कि फ्लावर्स दे जिहड़े प्लांट्स है वो किदां रिप्रोड्यूस करदे ने फ्लावर्स नू यूज करके। वो सारी चीज़ आपां पढ़नी है, किदां उहनां दा एम्ब्रियो बनदा है, किवें डिवेलपमेंट हुंदी है, आपां किवें फर्टिलाइजेशन तो बिना सीड्स बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। आपां कुछ डिस्कस करना है, स्टार्ट करांगे। देखो अपना अज दा टारगेट ये रहेगा कि अज आपां मेल दा और फीमेल दा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों कंप्लीट करने हैं, और इन्हें दे विच गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट करनी है, यानी मेल दे अंदर पोलन ग्रेन किवें बन रहे है एंड फीमेल दे अंदर एम्ब्रियो सैक किवें बन रहे है, दोनों आपां अज दे लेक्चर दे विच कंप्लीट कर देंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। इत्थे सब तो पहले दस्या गया है फ्लावर की है। सो फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। प्लांट की गल करिए, प्लांट के उपर फ्लावर लगता है, उन्होंने फ्लावर क्यों लगता है? वो फ्लावर का काम है रिप्रोडक्शन करना, इसीलिए कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स दे विच मेनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो की है फ्लावर है। एंड फ्लावर है की एक्चुअल बायोलॉजिकली देखिए तो की है एक मॉडिफाइड शूट है, शूट दी ही मॉडिफिकेशन तो फ्लावर बनता है। हुण फ्लावर दे विच दो चीज़ों की गल करनी है असीं, स्टेमन एंड पिस्टल। सब तो पहला स्टेमन की गल करांगे। स्टेमन की है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनू ही असीं माइक्रोस्पोरोफिल कह दें फ्लावर का। फीमेल की गल करिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नूं आपां मेगास्पोरोफिल कहने, मेल नो माइक्रोस्पोरोफिल कहने हैं। देखो ये दो पार्ट्स हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट की गल करा, फिलामेंट मेरा लंबा है और सिलेंडर स्टॉक की तरह है, और इसकी गल करा मैं। देखो फिलामेंट मैं तुम्हें इतने समझानी एक डायग्राम के थ्रू, जिवें आ फिलामेंट है, फिलामेंट के नीचे वाला हिस्सा जो है वो प्रोक्सीमल रीजन होएगा एंड उपर वाला टर्मिनल होएगा। मैं गल करा फिलामेंट के प्रोक्सीमल रीजन की, तो एक अटैच होंगे फिलामेंट किसी ना किसी चीज़ अटैच होएगा प्रोक्सीमल रीजन तो तीन चीज़ा होंगे ने, थैलेमस, पेटल या टेपल। इन्हां तीनों चो किसी नाल भी प्रोक्सीमल रीजन तो फिलामेंट अटैच हो सकता है। और टर्मिनल रीजन की गल करा, जनरली उत्थे एंथर पाया जाता है। एंथर की होंगे? एंथर की तो आप गल डिटेल्स करांगे क्योंकि पोलन ग्रेन अपने ये अंदर ही बनते हैं। देखो एंथर अपना एक ब्रॉडर यानी चौड़ा नॉब लाइक फर्टाइल पार्ट है स्टेमन का। फर्टाइल पार्ट मतलब रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो पार्ट है स्टेमन का। ये असं गल करिए जनरली बायलोब्ड होंगे, यानी लोब समझते हो, लाइक जिमें अगर ये एंथर का स्ट्रक्चर है, दो लोब्स बनिया होने का, दिस इज बायलोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, राइट। एंड दो लोब्स की गल करें एंथर की, इन्हों सेपरेट किया होंगे एंटीरियर रीजन के थ्रू एक डीप ग्रूव के नाल, ग्रूव समझते हो, एक डीप ग्रूव के नाल दोनों सेपरेट किया जाता है। एंड ये बैक साइड तो अटैच होंगे ने थ्रू अ स्टराइल पेरेनकाइमेटस टिश्यू, जिन्होंने कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। स्टेराइल मतलब जो रिप्रोड्यूस ना कर सके, ऐसा पेरेनकाइमेटस टिश्यू दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। उस तो बाद मैं गल करा कनेक्टिव टिश्यू के बोले वैसकुलर स्ट्रैंड होंगे, ये तो सिर्फ फैक्ट है दसने वाली गल है। हुण इत्थे स्ट्रक्चर की गल करिए, एंड्रोशियम और स्टेमन एक ही चीज़ है, पता होना चाहिए। और फिलामेंट है, फिलामेंट के टर्मिनल रीजन से एंथर है। एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, की होंगे अगे पता चल जाएगा, और पोलन ग्रेन बनते हैं, ये भी थोड़ा अगे पता चल जाएगा। हुण असीं गल करते हैं एंथर के स्ट्रक्चर की थोड़ी सी होर डिटेल दे विच। देखो ये बायलोब्ड है और टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल क्यों है, किवें सारा पता लगता जाएगा, एक एक जो है कड़ी खुलती जाएगी, ठीक है। बायलोब टेट्रागोनल ऑबलोंग नोब लाइक फर्टाइल पार्ट है, फर्टाइल पार्ट है। देखो इस लाइन चो इन्ना याद रखने की लड़ नहीं है क्योंकि तुम अगे जाओगे आप ही समझ आ जाएगा इस लाइन का मतलब। एक नोब लाइक फर्टाइल पार्ट है स्टेमन का जो कि बायलोब्ड है। बायलोब मैं तुम्हें दसता क्योंकि दो लोब्स है, टेट्रागोनल क्यों तुम्हें अगे पता लग जाएगा। ईच एंथर लोब हैज टू चेंबर्स, गल खुलनी स्टार्ट हो रही है। हुण देखो मेरे कोले दो लोब है, ठीक है, दो लोब दे विच मैं गल करा, हर लोब दे अंदर दो चेंबर है, यही लाइन लिखी हुई है। ईच लोब हैज टू चेंबर्स, मैंने बनाते दोनों लोब्स दे विच दो चेंबर, किन्ने चेंबर हो गए? चार हो गए। चार लिए आप वर्ड की यूज करते हैं टेट्रा। हुण ये भी पता लगेगा चेंबर्स के नाम की है सारा। और हाँ, द टू चेंबर्स ऑफ एन एंथर लोब पोजेस लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पोलन सैक और माइक्रोस्पोरिंजी। मैं दस दिया, देखो एग्जाम्पल देके दस दिया मैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक लोब है, ठीक है, तुम सामने तो देखोगे तो एक लोब दिखेगी, इतने एक सर्कल दिखेगा, इतने एक सर्कल दिखेगा। मैं इन साइड तो देखूंगी तो मैं पता लगेगा इस सर्कल के पिछे
एक सिलेंड्रिकल और एक लॉन्ग लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पोलन सैक है। दिस इज पोलन सैक जिहदे विच स्पोरोजेनस टिश्यू भरिया होया है। हुण सामने तो तुसीं देखोगे तुहानूं स्पोरोजेनस टिश्यू दिखेगा ना, हुण फोन चो आर पार तां दिखण तो रिहा राइट, क्योंकि तुहानूं अगे होल तां दिखेगा ही। ओह चीज़ है, आई होप तुहानूं समझ आएगा मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तुहानूं। सो बायलोब एंथर टेट्रास्पोरेंजियट हो गया, क्योंकि एक नूं असीं की कह रहे हैं स्पोरेंजिया कह रहे हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं या पोलन सैक कह रहे हैं, तीनों एक दे नाम है। तो आप चार नूं की कहांगे टेट्रास्पोरेंजियट, इसलिए एंथर का पूरा नाम की बनता है, एंथर की बनता है बायलोब्ड होंगे टेट्रास्पोरेंजियट होंगे। उस तो बाद मैं गल करा चारों माइक्रोस्पोरेंजिया जिहड़े ने एंथर दे चारों कॉर्नरस ते लाई करते हैं एंड एक दूजे के पैरलर ने। पैरलर मतलब देखो अगर मैं फिर तो साइड तो देखा, ये मेरी एक लोब है, दो ये स्पोरेंजिया हो गए नीचे वाली लोब दे हो गए, सारे आपस च की होंगे, सारे आपस च की होंगे पैरलर होंगे ठीक है। उस तो बाद में गल करा जिन्हें भी माइक्रोस्पोरेंजिया है मेरे, ये सारे कवर होंगे ने एक वेल डिफाइंड कॉमन एपीडर्मिस के नाल। सारे दी अलग अलग एपीडर्मिस नहीं है, सारे एको एपीडर्मिस के नाल कवर्ड है एंड बाकी लेयर्स भी होंगे ने, दैट इज एंडोथीशियम मिडल लेयर एंड टेपिटम। सब दे फंक्शन दसूंगी, टेपिटम वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है अपने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखो ये दिता हुआ है, देखो दो लोब्स बनिया हुई हैं, आ विच लॉन्गिट्यूडनल ग्रीव भी ग्रूव भी है, आ देखो फर्स्ट स्पोरेंजिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पोलन सैक भी कह सकते हैं। पोलन सैक दे विच की बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे, ए लाइन ऑफ डिहिसेंस है। लाइन ऑफ डिहिसेंस की होंगी है अगे पता चलता जाएगा। हुण आपां पर्टिकुलर एक माइक्रोस्पोरेंजियम ते फोकस करांगे, क्योंकि जो भी प्रोसेस होना है पोलन ग्रेन बनन दा ओ दे अंदर ही होना है, माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक दे अंदर राइट। सो उते फोकस करदे आ माइक्रोस्पोरेंजियम और फ्यूचर पोलन सैक, जो कि फ्यूचर विच पोलन सैक बनेगी वो सर्कुलर है। जिवें अंदर तुसीं ट्रांसवर्स सैक्शन जिवें लवा, ट्रांसवर्स सैक्शन लवा तां मैनूं सर्कुलर दिखेगी। इहदे विच दो पार्ट आउणगे, एक तां बाहर एक वॉल होएगी ऑफ कोर्स, अंदर मैं तुहानूं बार बार कह रही हूँ कि होगा स्पोरोजिनस टिश्यू होएगा जो कि होमोजिनस है, सब दे सारे सेल्स इक सेम होंगे एक दूजे वर्गे होंगे। हुण माइक्रोस्पोरेंजिया की गल करा, यदि चार लेयर्स है, किन्नी लेयर्स है, चार, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम। सब तो बाहर वाली तीन लेयर जो मैं दसिया ने टेपिटम को छड़ के, यानी कि बाहर लिया तीन, मिडल लेयर एंडोथीशियम और एपिडर्मिस, ये तीनों का काम ये है प्रोटेक्शन का काम करना जो एंथर यंग है, और जो एंथर राइप हो गया उदो उन्होंने डहीसेंस मैकेनिज्म और डहीसेंस दे भी हेल्प करना ताकि वो फटे और जिन्हें भी पोलन ग्रेन्स है सारे बाहर रिलीज हो जाए। हुण एंथर जो यंग है उदो जिहड़ा इत्थे ग्रुप ऑफ कंपैक्टली पैक्ड टिश्यू सी, अरेंज टिश्यू सी, जिन्होंने मैं स्पोरोजिनस टिश्यू कह रही सी, वो माइक्रोस्पोरेंजिया दे सेंटर दे विच होएगा जो एंथर यंग है। हुण आपां अगे चलिए, आ देखो हुण इत्थे लेयर्स वास्ते भी डायग्राम दित्ती हुई आपां नूं, आ विच स्पोरोजिनस टिश्यू है, आ माइक्रोस्पोरेंजिया दी वॉल होगी, उस तो बाद आ वैस्कुलर स्ट्रैंड हो गया, आ कनेक्टिव टिश्यू हो गया। थोड़ा फैक्ट दस्या सी ना मैं कि कनेक्टिव टिश्यू दे अंदर एक वैस्कुलर स्ट्रैंड होंदा है। उस बाद सब तो अंदर दी गल करिए, सब तो पहली लेयर केड़ी है, टेपिटम, उस तो बाद दियां दित्तियां हुई हैं देखो, उस तो बाद आंदी है मिडल लेयर जो कि विच 3 to 1 to 3 लेयर्ड होंगी है। उस तो बाद एंडोथीशियम सिंगल सेल लेयर है और एपिडर्मिस सिंगल सेल लेयर है, कल मिडल लेयर है जो एक लेयर तो लेके तीन लेयर के बीच विच हो सकती है ठीक है। उस तो बाद मैं गल करा सेम ही चीज़ है, देखो बार बार वही दिती हुई है, आई थिंक ये तो डायग्राम अच्छी तरह क्लियर हो गएगी, आपको कुछ छड़े तो नहीं ऊपर। ओके ओके अगे चलते हैं। हुण आप आने टेपिटम से, एज ए सर टेपिटम इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेपिटम का स्पेशल स्पेसिफिकली टॉपिक बना के दिता हुआ है। द इनर मोस्ट लेयर इज टेपिटम, ये पोलन ग्रेन नरिशमेंट देगी जो कि डेवलप हो रहे हैं हजे, एंड सेल्स ऑफ टेपिटम के साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होंगे और न्यूक्लियस भी एक तो ज़्यादा होंगे। अल्टीमेटली टेपिटम ने होना डीजनरेट ही है, जो एंथर यंग तो मैच्योर हो जाएगा टेपिटम खत्म हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी। हुण आप फंक्शन की गल करिए, पहला फंक्शन मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ, पोलन ग्रेन और MMC की डिवलपमेंट करना, डिवलपमेंट होंदे हुए उन्होंने नैरिशमेंट करना। MMC की है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी जी तो अगे जाके मेरा पोलन ग्रेन बनना है, ये ना सोचो किवें बनेगा, वो अपना अलग प्रोसेस है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, वो भी तुहानूं पता लगेगी। अगला टॉपिक वही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बनेगा कितने, पोलन सैक के अंदर। स्पोरोजेनेस टिश्यू का एक सैल की है, मतलब हर सैल पर्टिकुलर सैल की है, माइक्रोस्पोर मदर सैल है। उस बार मैं गल करा टेपिटम होर की करेगी, लिपिड्स प्रोड्यूस करेगी, लिपिड्स रिच, सॉरी यूबिश ग्रैन्यूल प्रोड्यूस करेगी जो कि लिपिड्स रिच होंगे, यानी कि उन्होंने लिपिड्स भरे होंगे है, वो एक स्पोरो पोलिन नाम का
होएगा, केमिकल होएगा। हुण स्पोरोपोलिनिन की है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोरोपोलिनिन की है एग्जाइन फॉर्मेशन च काम आंदा है। हुण एग्जाइन की है, सस्पेंस है, पता चल जाएगा जदों पोलन ग्रेन बारे पढ़ोगे ना, जदों आपां स्ट्रक्चर पढ़ांगे पोलन ग्रेन दा, उदों पता चलेगा एग्जाइन की है, स्पोरोपोलिनिन की है, ऐसा की खास है जो टिपोटामिन सिक्रीट करता है, सब पता चल जाएगा। फिलहाल इन्हें याद रखो, यूबीस ग्रैन्यूल बना रहे हैं जिसके अंदर स्पोरोपोलिनिन है एग्जाइन फॉर्मेशन के लिए। उस बाद पोलन किट भी टिपटमी बना रहे हैं अपना एंटोमोफिलस पोलन ग्रेन के लिए। एंटोमोफिलस पोलन ग्रेन की है मैम? नहीं पता, पता चल जाएगा पोलिनेशन के टॉपिक के विच। एक्चुअली ना ये फंक्शंस बच्चे उदो समझ आना जो तो पूरा चैप्टर पढ़ ले। दसों ने मैं हूँ ही 10 10 मिनट ला के दस सकती हूँ ओरली थोनू कि एंटोमोफिलस पोलन ग्रेन की होंगे, उत्थे पोलन किट की जरूरत है। सस्पेंस रख दिया, लास्ट लेक्चर तक देखो पता चलता जाएगा कि कड़ी खुलती जाएगी। और जिहड़ा टेपिटम है वो की सिक्रेट करेगा या प्रोड्यूस करेगा स्पेशल प्रोटीन्स फॉर पोलन ग्रेन टू रिकॉग्नाइज कंपैटिबिलिटी एंड हार्मोन IAA। IAA दी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए थी है। कमेंट करना मेनू, या गूगल करके कोई नहीं करेगा कमेंट। ओके, रही गल इस दी, ये थोड़ा जहा मैं दस दनी हूँ। देखो जिवें पोलन ग्रेन्स रिलीज होए, ठीक है, हवा दे विच रिलीज हो गए, वो मान लो किसी भी स्टिगमा ते आके गिर गए। हुण स्टिगमा सीगा मान लो मेरा किसी भी प्लांट दा स्टिगमा सीगा, पर ओहदे उपर पोलन ग्रेन आके गिर गया मैंगो दा। ये मैंगो दा नहीं है, मैंगो तो अलावा कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट दा स्टिगमा है ओहदे उपर आके स्टेमन मैंगो दा गिर गया, केड़ा पौधा बनेगा? मैंगो या जो नया फ्लावर मतलब जो दूसरा प्लांट इतर है, कोई भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि टेपिटम ऐसे स्पेशल प्रोटीन से क्रिएट कर देगा पोलन ग्रेन्स के ऊपर जो कि पिस्टल नु हेल्प करेगा पता करने ली मेरी स्पीशीज दा है ना, नहीं तो जरा पिस्टल है वो अगे अंदर आ ही नहीं देगा, ना कोई फर्टिलाइजेशन होगी ना कुछ बनेगा। ओके, बाकी तो ये भी टॉपिक अगे पता चल जाएगा जो आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ांगे। हर चीज़ तुम्हें तो मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल्स, पर हर चीज़ का एक टाइम होंगे। उस तो बाद है इट सेक्रेट्स एंजाइम लाइक कैलेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ कैलेस अराउंड फॉर पोलन टिट्रा। ए पॉइंट तुम्हें अगले टॉपिक समझ आ जाएगा, दैट इज अवर माइक्रोस्पोरो जेनेसिस। स्टार्ट कर दिया, थर्ड पॉइंट तुम्हें इतनी समझ आ जाएगा की है। देखो स्पोरोजिनस टिश्यू की है, माइक्रोस्पोरेंजियम का पूरा अंदरला फिल करके रख दे एरिया, ये सैल डिवाइड कर देने जिमें जिमें एंथर की ग्रोथ होंगी है, और अपना नंबर वधा लेते हैं। ठीक है, नंबर वधा लिया, अल्टीमेटली की ट्रांसफर होंगे MMC या PMC, माइक्रोस्पोर या पोलन मदर सैल। मदर सैल यानी इन्होंने अगे जाके माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनाना है। हमने जो माइक्रोस्पोर मदर सैल है या माइक्रोस्पोरोसाइट है, यही की करेंगे एक इंटरनल लेयर ऑफ कैलस डेवलप कर लेंगे अपने आले दुआले, जिद नाल की होगा इन्हों के आपस जो प्लाज्मोडेसमल कनैक्शन से, यानी एक सैल दूजे सैल ना प्लाज्मोडेसमल कनैक्शन से जुड़े हुए थे, वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। हुण जिहड़े सेपरेटेड मदर सैल्स है वो मियोसिस करेंगे। मियोसिस समझते हो? मियोसिस ना किन्ने सैल बनते होंगे? एक सैल तो मियोसिस ना चार सैल बनते हैं, इस करके आप टिटराड नाम दें, माइक्रोस्पोर टिटराड। इसी प्रोसेस में आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहने हैं। जेडे पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाल की बनेगा, माइक्रोस्पोर टिट्राड बनेगा, इन्हों ही पोलन ग्रेन कहने हैं। इसलिए अगले पॉइंट्स मेंशन है पोलन ग्रेन या टिट्राड ग्रो करेंगे एक दूजे तो सैपरेट करेंगे। हुण देखो आ मान लो चार मेरे को बन गए, ठीक है, चार मेरे को बन गए पोलन ग्रेन कैलिस जेडे इन्होंने डिवेलप की है, इंटरनल लेयर ऑफ कैलिस, ये तो हजे भी इन्होंने आले दुआले है। की करिए हूँ? इस करके जी टिपटम है एक कैलिस एंजाइम बनाएगी ताकि मेरे कैलोस जी लेयर है वो टूट जाए, डिग्रेड हो जाए, और मेरे पोलन ग्रेन्स फ्री हो जाए। थर्ड पॉइंट समझ आ गया टिपिटम के फंक्शन का। उस तो बाद मैं गल करा यूजुअली अरेंजमेंट माइक्रोस्पोर का, गल करा और टिट्राड या टेट्राहेड्रल होंगे या आइसोबायलेटरल होंगे। एक जस्ट एक पॉइंट है याद करने के लिए कि अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टिट्राड के होंगे टेट्राहेड्रल होंगे या आइसोबायलेटरल होंगे। उस तो बाद एंजाइम्स है, एंजाइम्स नहीं MCQs है। देखो ये तो मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, मेरे चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनया हुआ है, ये PDF तुम्हें तो उत्थे मिलेगी, तुम्हें ये क्वेश्चंस नु खुद लगाना है। जेडे क्वेश्चन डाउट हो मैनू नाल दे नाल अगले दिन तक 24 आवर्स के कॉमेंट चाहिए मेरे कॉमेंट सैक्शन के, ताकि मैं उन्होंने एड्रैस करके थोड़ा तो डाउट सॉल्व कर सकता, मैंने भी पता लगे तुम सॉल्व कर रहे हो असाइनमेंट, राइट? ये तुम्हें उत्थे मिल जाएगा। हूँ आप अगे चलते हैं, देखो हूँ ही आप कित तक गल की है मेल तक, हूँ आप चलते हैं फीमेल तक। बाकी अपना हजे पे है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पे है, उस तो बाद जावे आप फीमेल तक। यस, ये अपना थोड़ा सा पे है जो मैं गल कर रही थी स्पोरोपोलिन और एग्जाइन की,
ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਐਂਡ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇਗਾ ਯੂਨੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਸੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਬਿਸਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਓਪਨ ਐਂਥਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਐਂਥਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟੱਚ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਪਾਊਡਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਫ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦੀਸ ਗ੍ਰੇਨਸ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਸਮਝਾਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰਹੀ, ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਗੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ 25 to 50 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰਸ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਦੋ ਹੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਇਨ ਟਾਈਮ, ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਔਰ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਇਨ, ਇਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਨ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਿਟ, ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਨ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਐਗਜ਼ਾਈਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਨ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੇਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਐਗਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ। ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੋਰੋ ਪੋਲੀਨਿਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੋਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਰੋਪੋਲੀਨਿਨ ਹੈ, ਸਪੋਰੋਪੋਲੀਨਿਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪੋਰੋਪੋਲੀਨ, ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਗਰੇਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਐਚ ਦੇ ਲਓ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਜ਼ਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰੋਪੋਲੀਨਿਨ ਨੂੰ ਡੀਗਰੇਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਸਲਸ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰੋਪੋਲੀਨਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰੋਪੋਲੀਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਡੀਗਰੇਡ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਰਮ ਪੋਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਈਨ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਐਲਕਲਾਈ ਜਾਂ ਬੇਸ ਵੀ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਪੋਰੋਪੋਲੀਨ। ਕੋਈ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਐਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੋ ਸਪੋਰੋਪੋਲੀਨ ਨੂੰ ਡਿਗਰੇਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਰਮ ਪੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਰਮ ਪੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਐਸੇ ਅਪਰਚਰ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਰਮ ਪੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਅਰ ਸਪੋਰੋਪੋਲੀਨ ਇਜ਼ ਐਬਸੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਫੋਸਿਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰੋਪੋਲੀਨ ਡਿਗਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਐਰੇ ਆਫ ਪੈਟਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਟਾਈਨ ਦੀ, ਇਨਟਾਈਨ ਇਨਰ ਵਾਲ ਹੈ, ਥਿਨ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ਰ ਪੈਕਟਿਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਸਾਡਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੈਸ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸੈਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈਲ ਐਂਡ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈਲ। ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਮੈਂ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਾਲਾ ਸੈਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੰਡੈਂਟ ਫੂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਓਪੋਜ਼ਿਟ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈਲ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਪਿੰਡਲ ਸ਼ੇਪਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਡੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈਲ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਿਊਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਲਸ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸੈਲਸ ਕਿਉਂ ਬਣੇ। ਦੇਖੋ 60% ਆਫ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਇਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸ਼ਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੜ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਲਓ।
दो सेल स्टेज थे। बाकी बची 40% स्पीशीज विच जनरेटिव सेल, पहला जो अंदर छोटा वाला जनरेटिव सेल है, पहला ही माइटोटिकली दो मेल गैमेट्स बनाएगा, फिर पोलन ग्रेन नु छड्डे जांदा है कि जाओ लव लो अपनी पिस्टल। ठीक है, पोलन ग्रेन तो एलर्जीज की हुंदिया ने ये पर देखनी है, दे विचो एमसीक्यू बन जांदा है पार्थेनियम। तो देखो पोलन ग्रेन दी मेनी स्पीशीज सीवियर एलर्जीज कर सकदी है और ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस कर सकदी है। कुछ पीपल दे विच ते क्रोनिक, क्रोनिक आएगा और एक क्रोमिक क्यों लिख रखे है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कर देंदियां ने, जिवें एजमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। पर पार्थेनियम की गल करिए, जिन्हों पर कैरेट ग्रास भी कहने, ये लाइन इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, इनू जरूर ध्यान दे रखियो। पार्थेनियम या कैरेट ग्रास की गल करा, ये इंडिया दे विच वीट दे नाल आई सी एज अ कंटैमिनेंट, गंदगी समझ रहे, कंटैमिनेंट समझ रहे, गंदगी टाइप वीट दे नाल आ गई सी पार्थेनियम कैरेट ग्रास। और ऐसा आई आंदे ये यूबीक्यूटस बन गई, यूबीक्यूटस यानी हर जगह पे पाए जाना, जिवें आपां कहने गॉड, गॉड नू कहा जाता है वैसे ये भी वो हर जगह पे, उवें कहने पार्थेनियम ऐसी होगी हर जगह पे पाई जान लग गई और इन्हें पोलन एलर्जी फैलाती। पोलन ग्रेन आप एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स विच रिच होंगे है। अजकल तो फैशन बन गया रीसेंट ईयर दे विच कि पोलन टैबलेट नू फूड सप्लीमेंट की तरह खाया जान लग गया। वेस्टर्न कंट्रीज की गल करिए, उत्थे तां लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स या सिरप्स। एंड पोलन कंजप्शन की गल करिए, इन्होंने एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस नू भी काफ़ी इंक्रीज किया है। उस तो बाद अपने को एक टॉपिक आता है पोलन वायबिलिटी। देखो किसी भी चीज़ की वायबिलिटी तो है नहीं कि अनलिमिटेड है, राइट। हुण पोलन ग्रेन है, मैंने उन्होंने रिलीज़ करता, ये तो है नहीं कि सारी जिंदगी वह वायबल रहनगे, कि 10 लाख साल बाद भी वो किसी स्टेमन दे गिर गए तो वो जाके फ्रूट फॉर्मेशन कर लेंगे, नहीं। हर मतलब ऐदा नहीं कह रही मैम, बट ये कि हर स्पीशीज का अलग अलग वायबिलिटी पीरियड होंगे। तो प्रोसेस फॉर विच पोलन ग्रेन्स, प्रोसेस टाइम नहीं आएगा, टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन विजिबल वायबल इज हाईली वेरिएबल और सम एक्सटेंट तक इट डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर। पोलन ह्यूमिडिटी समझते हो नमी, हवा दे विच वाटर कॉन्टिनेंट कहना, मॉइस्चर कहना। ये थोड़ा याद रख लियो एमसीक्यूज दे लिए। वीट और राइस दे विच जिवें मैं गल करा, या मैं गल करा राइस दी, या फिर बस तीन एग्जाम्पल दी हुई है, इन्हों का 30 मिनट है। एंड रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी का मंथ्स है, इनू तुसी किदा याद कर सकते हो, RLS या कोई भी ट्रिक बना लो कि इन्हों का मंथ्स दे लिए है। सॉरी एवरीवन, आई नीड टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, हम आप अगे स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ आप पोलन वायबिलिटी कर रहे थे। देखो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलनेसी तीन फैमिलीज होंदिया ने, इन्हों के जो कुछ मैंबर्स हैं इन्हों की पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कुछ महीनों की होंगी है। उस तो बाद अं गल करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन एमसीक्यू लिया, टेंपरेचर की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। देखो होंगे की है, जिम्मे मेरे को पोलन ग्रेन है काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज के हैं, मैं उन्होंने स्टोर करना चाहनी हाँ, इसके लिए आप मैथड यूज करते हैं, दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। मैं टाइप कर देनी हूँ थोड़े लिए, उरे पता होना चाहिए टेक्निक दे नाम, कई बार क्वेश्चन आ जाए की पता आपां नूं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, इस दे विच की हुंदा है, -196 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर के उपर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पोलन ग्रेन्स नूं स्टोर किया जाता है। इस प्रोसैस नूं की कहिंदे ने, क्रायो प्रिजर्वेशन कहिंदे ने। और अगे तो लिखा है, इन दिस वे द पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट कैन बी प्रिजर्व। पोलन बैंक्स की गल करिए, स्टोर पोलन नू आपां पोलन बैंक की तरह यूज कर सकते हैं, एंड दे आर हेल्पफुल इन क्रीप क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, उस तो बाद आप गल करते हैं हूँ मेल गैमेटोफाइट या माइक्रो गैमेटोजेनेसिस की होंगी है, या मेल गैमेटोफाइट की डिवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर की है, कि अपने को इदा एक पोलन ग्रेन से उन्हें डिवाइड किया, उन्हें दो सैल्स बनाए, फिर उस अगे कैलोसवोल सी उन्हें उन्होंने ब्रेक किया वगैरह वगैरह, आप सारे डिस्कस करना है किदा जर्मीनेशन हुई। ठीक है, देखो पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर जोड़ा है फर्स्ट सैल है मेल गैमेटोफाइट का, जो कि रिप्रजेंट करता है इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। दिस इज इमेच्योर, हजे जो आप बनाए पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर की है इमेच्योर है, हूँ यदि डिवलपमेंट होएगी। ये प्रिकॉशियस है, दैट इज मतलब कि दैट इज दैट इट बिगिनस इन साइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही चल रहा है जो भी चल रहा है। देखो वेन फर्स्ट फॉर्म द माइक्रोस्पोर हैज सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस एम्बेडेड इन डेंस साइटोप्लाज्म कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
देखो मेरे को माइक्रोस्पोर बन गया, ये अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, सेंटर के विच एक न्यूक्लियस है। हुण होएगा कि बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हुण जिहड़ा इहदा प्रोटोप्लास्ट है माइटोटिकली डिवाइड करेगा, दो अनइक्वल सैल बनणगे, एक बड़ा सैल एक छोटा सैल, जो कि आपां हुणे डिस्कस कीता है उन्होंने द्वारा थ्योरी दे विच क्यों लिखिआ है कि एक अपने कोल छोटा जनरेटिव सैल होएगा और बड़ा वाला वेजिटेटिव सैल होएगा, उस बार एक ट्यूब सैल होएगा। ट्यूब सैल इहनूं ही कहिंदे ने अपने वेजिटेटिव सैल नूं। जो ट्यूब सेल है ये को एक वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होएगा, यानी एक वैक्यूल वाला साइटोप्लाज्म होएगा। वैक्यूल समझते हो? वैक्यूल तो समझते ही हो, क्लास 8th पार करके आए हो। विच इज रिच इन द फूड एंड रिजर्व एंड सेल ऑर्गेनलीज। ये विच फूड रिजर्व होंगे, सेल ऑर्गेनलीज होंगे, और जो न्यूक्लियस है वो लार्ज और इररेगुलर होएगा। सेम गल है वही जो मैं हूँ दसी है, जनरेटिव सेल्स, स्पिंडल शेप होएगा, स्फेरिकल होएगा, डेंस साइटोप्लाज्म होएगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होएगा कुछ स्पीशीज के अंदर। ये भी दस्या सीगा कि मैंने दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होंगे ने डिसेस ऑफ एंथर तो पहला एंड रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन तो पहला, एंड इसीलिए आप कहने या तो टू सेल्ड होएगा या थ्री सेल्ड होएगा। जो पोलन ग्रेन है टू सेल्ड यानी एक ट्यूब सेल एक जनरेटिव सेल, थ्री सेल्ड यानी एक ट्यूब सेल के नाल दो मेल गैमेट, राइट। ये मैं उपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, देखिया नीट के क्वेश्चन आया, मैं थोड़ा क्या टेंपरेचर ध्यान रखना है तुम्हें, बाकी ये सारी चीज़ों थोड़ा होमवर्क है, इनू अच्छी तरह करो, मेनू कमेंट सेक्शन के डाउट पूछो जो थोड़ा नहीं समझ आता। ये वैसे एक्सप्लेनेशन दिखाई हुई ने, आ देखो ये सारी एक्सप्लेनेशन दिखती हुई है। हम आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज या दैट इज अवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो गल करते हैं, गाइनोशियम की गल करिए। गाइनोशियम अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, एंड ये गाइनोशियम की चीज़ है? गाइनोशियम का नाम अगर तुम पहली बार सुन रहे हो, एक कलेक्टिव टर्म दिती गई है जो भी फ्लावर का या फ्लोरल अपेंडेजिज का इनर मोस्ट, या मैं कहाँ सेंटर के जो वर्ल है ना फ्लोरल अपेंडेजिज का, जो कि कार्पल या कार्पल या कार्पल्स कहने, उन्होंने गाइनोशियम कहते हैं। क्या समझो, मेरे को सेंटर के एक वर्ल है, वर्ल समझते हो? वर्ल मैं तुम्हें कितना समझावा कि बहुत सारे फ्लोरल अपेंडेजिज जो सेंटर के है या इनर मोस्ट है वो की होंगे, कार्पल या कार्पल्स भी कह सकते हैं, एक या दो, एक तो ज्यादा भी हो सकते हैं। इन्हों कलेक्टिवली की कहते हैं, इन्हों की कलेक्टिव टर्म की है गाइनोशियम है, ठीक है। जिवें स्टेमन, बहुत सारे स्टेमन उन्होंने आप एंड्रोशियम कहने, बहुत सारे कार्पल नू गाइनोशियम कहने। देखो ये एक कार्पल है तो मोनोकार्पलरी, टू है तो बायकार्पलरी, थ्री है तो ट्राईकार्पलरी, फोर है तो टेट्रा एंड फोन। जस्ट होल्ड ऑन, इट्स अ कॉल, आई एम सो सॉरी, कॉल आ गई सी इस करके स्टॉप करनी पई। आई होप लास्ट टाइम स्टॉप हो रही है, इस तो बाद में मैं करूँगी। एंड मैंने ये था मल्टी कार्पलरी। एपोकार्पस की गल करिए, देखो एपोकार्पस की है, देखो दो चीज़ें होंगे एपो और सिन, जो अपने कोल दो तो ज़्यादा कार्पल हो, अगर तो फ्री है यानी एक दूजे तो अलग अलग है, एक दूजे तो कोई मतलब नहीं है, वो की है एपोकार्पस की एग्जाम्पल है। एपोकार्पस ओवरी है, एपोकार्पस कहने आपको, एग्जाम्पल की है तुम दिती हुई है रेनकुलस। सिन कार्पस की गल करिए, दो तो ज़्यादा कार्पल ने पर एक दूजे फ्यूज है, यदि एग्जाम्पल की है हिबिस्कस। हूँ थोड़ा मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल आ गया अपने को पापावर, थोड़े को एनसीईआरटी की बुक होएगी, एनसीईआरटी पढ़ो और लभ के दिखाओ पापावर उत्थे एग्जाम्पल है कि दिता हुआ है, एपोकार्पस दे विच या सिन कार्पस दे विच। जो भी मैं इसका आंसर देगा मैं उन्होंने नेक्स्ट लैक्चर के शाउट आउट दूंगी, ठीक है। आई होप इस इस ना आ जाएगा कितने, वरना शाउट आउट कैंसल हो जाएगा। एंड यू गाइनोशियम की एक यूनिट नू आपां की कहने, क्योंकि कलैक्टिव गाइनोशियम से एक यूनिट नू की कहोंगे आप, पिस्टल कहोंगे। ईच कार्पल, कार्पल लगा लो पिस्टल लगा लो, कार्पल जो है वो अंदर मेगा स्पोरोफिल होंगे, जिम्मे मैं तुम्हें स्टार्टिंग दसिया अगे तीन पार्ट है, स्टिगमा स्टाइल ओवरी, शुरू तो सुनते आ रहे हो स्टिगमा की है भाई। स्टिगमा टर्मिनल है, टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट है कार्पल का, जो कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनता है कि जो भी पोलिनेट पोलिनेशन के दौरान आएंगे स्टिग्मा के उपर लैंड होंगे। ये कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी देखेगा पोलन ग्रेन की, यानी पोलन ग्रेन मेरी स्पीशीज का है कि नहीं, मैं इतना जर्मिनेट करा या नहीं, ये सारे काम स्टिग्मा दे ही है। स्टाइल की गल करिए, स्टाइल इलोंगेटेड है, नैरो है, सिलेंडर पार्ट है, जो कि स्टिग्मा नू ओवरी देना कनेक्ट करेगा, ठीक है। ओवरी की गल करें, ओवरी मेरा बेसल सोलन पार्ट है कार्पल का, ये ओवेरियन कैविटी होंगी है जिसे एक या एक तो ज़्यादा चैम्बर होंगे जिन्होंने आप लोक्यूल कहने। उस पर मैं गल करें ओवरी के अंदर जेडे ओव्यूल्स है वो एक पैरन काइमेटस कुशन के उपर रखे होंगे है,
पेरेंट क्राइमेटिस क्वेश्चन दे ऊपर रखे होंगे जिन्हों आप की नेम दें प्लेसेंटा। ओवरी की गल करा, ओवरी के अंदर अपने को दो कंडीशन होंगे ने, एक ओव्यूल है या बहुत सारे ओव्यूल है। एक दे ओव्यूल की कड़ी एग्जाम्पल है, वीट, पैडी, मैंगो, लीची। सैवरल ओव्यूल्स की गल करा, पपाया, वाटरमेलन, पोपी। सब पता लग रहा है ओवरी जी है। देखो वीट, पैडी, मैंगो, क्या ना देखो मैंगो दे विच भी एक सीड होंगे, लीची के अंदर एक सीड होंगे, पपाया के अंदर किन्ने सीड होंगे, वाटरमेलन के अंदर किन्ने सीड होंगे, राइट? समझ आ गया होगा सब। उस बार मैं गल करा एक ओव्यूल का या मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर की है। देखो ओव्यूल की है, मेगास्पोरेंजियम है, ये उपर इंटेग्यूमेंट्स होंगे यानी कवरिंग्स होंगे ने, दे आर फाउंड इन स्पर्मेटोफाइट्स विच डेवलप इन टू सीड। ना याद रखने की लड़ो नहीं, ना याद रखो ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम है जिसके ऊपर इंटेग्यूमेंट्स होंगे यानी कवरिंग्स होंगे ने जो कि सीड के विच कन्वर्ट होएगा फर्टिलाइजेशन तो बाद, और ये मेगास्पोरेंजियम के बराबर ही मनिया जाता है। उस तो बाद मैं बात गल करा एंजियोस्पर्म ओव्यूल में गल करा, इज टिपिकली एन ओवॉइड एंड ओवल शेप्ड है और वाइटिश का स्ट्रक्चर है। उस तो बाद मैं गल करा ओवरी के अंदर, यह हूँ ही दसिया कि पैरेन्काइमेटस क्वेश्चन प्लेसेंटा के उपर अटैच है, और वेरियस पार्ट्स की गल करा ये थोड़ा तो मैं तुम दस दिनी हाँ। देखो सब तो पहले अपने को फिगर डायग्राम है, डायग्राम तो मैं दस दिया, डायग्राम तो बेटर समझ आएगा, दिन थ्यूरी तो 2 मिनट समझ आ जाएगी। देखो जिहड़ा ये पूरा ओव्यूल है, इतने नीचे प्लसेंट है, प्लसेंटा नाल अटैच होने लई इहदे कोल की है, फ्यूनिकल है। वट इज दिस, मैं हाईलाइट कर रही सी, आप पता नहीं की हो गया। ओके आप हाईलाइटर यूज करते हैं थोड़ा सा। दिस इज फ्यूनिकल, व्हाट हैपेंड, येलो कलर दिख नहीं रहा। अपने कोल प्लसेंटा नाल अटैच होने लई फ्यूनिकल है, एंड उस तो बाद आप गल करिए, देखो एक एक चीज समझते जाओ, मैं थोड़ा छोटा करना। अपने कोल दो एंड होंगे ने, एक तो जिथे कोई इंटेग्यूमेंट कोई कवरिंग नहीं है उन्होंने आप कहने हैं माइक्रोपाइल, उसी के अपोजिट हो जाएगा चलाजा। चलाजा की डेफिनेशन यही होंगी है अपोजिट टू माइक्रोपाइल, ठीक है। विच ये होंगे न्यूसेलस, आ जी थोड़े सैल्स दिख रहे हैं ये कि सैल है, न्यूसेलस के सैल हैं, जिमें मेल के स्टेमन एंथर के स्पोरोजिनस टिशू से, और न्यूसेलस के सैल्स है। बाहर इंटेग्यूमेंट्स है यानी कवरिंग्स है, आज एम्ब्रियो सैक है। यदा स्ट्रक्चर मैं तुम्हें अच्छी तरह समझानी हाँ, देखो ध्यान ना सुनो। अपने को एम्ब्रियो सैक होंगे, एम्ब्रियो सैक न्यूसेलस तो बनता है, हूँ न्यूसेलस तो एम्ब्रियो सैक का सफर आप मैगास्पोरोजेनेसिस के कवर करा। फिलहाल तुम ये थोड़ा सा देख लो कि एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। अगर मेरा कंडीशन ये डिपेंड करती है माइक्रोपाइल कितने है, चलाजा कितने है। अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलना, मेरा माइक्रोपाइल नीचे है, चलाजा उपर है, तो मेरे को नीचे की होएगा माइक्रोपाइल एंड से दो सिनर्जिड हो गए, एक एग सैल होएगा, एग होएगा, दो सिनर्जिड एक एग, उपर तीन एंटीपोडल सैल, विचाले एक सैल दे एक सैल होएगा जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे, दैट आर पोलर न्यूक्लिए। हजे तुम्हें नहीं समझ आ रहा, इट्स ओके, क्योंकि अगर तुम मैगस मैगास्पोरोजेनेसिस पढ़ोगे उस डिटेल के पता लगेगा ये सैल कितों आए, न्यूसेलस तो किमें बने, एंड विच किसी सैल के अंदर दो न्यूक्लियस क्यों है, कोई तीन उपर क्यों है, सारा तुम्हें पता लग जाएगा। फिलहाल ये डायग्राम के इस करके मैं तुम्हें थोड़ा जहा एक्सप्लेन करता। फिर निकल देखो एक डंडी लाइक द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल नू प्लस प्लेस लिख रखे, प्लासेंटा दे नाल अटैच कर दिया, लिख लियो रे प्लासेंटा, प्लासेंटा दे नाल अटैच कर दिया। हाइलम की है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, हाइलम मैं तुम दस दिनी, हाइलम आ है, दिस इज हाइलम, जिदे नाल उपर वाला जो ओव्यूल है और नीचे वाला फ्यूनिकल जो डंडी है आपस जिथे जंक्शन है जिथे कनेक्ट होंगे ने, दैट इज हाइलम, ठीक है। उस बाद मैं गल करा रैफे, रैफे लॉन्गिट्यूडिनल रिज है जो कि लेंथ वाइज बनता है, फ्यूजन ऑफ फ्यूनिकल्स विद द बॉडी ऑफ ओव्यूलियन टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। आई डोंट थिंक ये कदे पूछा जाएगा, इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, छड़ सकते हो अगर नहीं समझ आ रहा था। न्यूसेलस की गल करिए, न्यूसेलस की है सॉरी बॉडी ऑफ ओव्यूल जिवें है, वो अंदर मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सैल है जिन्होंने न्यूसेलस कहते हैं, ये अंदर अबंडेंट रिजर्व फूड मटीरियल है जो कि एम्ब्रियो जो बन चुके हैं फर्टिलाइजेशन तो बाद डिवेलप हो रहा है, उन्होंने न्यू नरिशमेंट देने के काम आता है। एम्ब्रियो सैक की गल करिए, यदि आप डिटेल के गल करा, ये न्यूसेलस के पाया होंगे, फीमेल गिमीटोफाइट है जो कि 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड है। अगर ये लाइन नहीं समझ आई 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड है, ये तो अगर समझ आ जाएगी मैगास्पोरोजेनेसिस के, इन्होंने अजे स्किप कर सकते हो। इंटेग्यूमेंट्स की गल करा मैं, बाहर एक है या दो भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव है,
कवरिंग है ओव्यूल दी जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो नू प्रोटेक्ट करते हैं। माइक्रोपाइल की गल करिए जिथे इंटेगुमेंट्स नैरो पोर या ओपनिंग छड़ देंगे ने वो की बन जाएगा ओव्यूल का माइक्रोपाइल रीजन बन जाएगा। उत्थे जी है पोलन ट्यूब एंटर करती है यूजुअली। देखो तुम्हें अगे जाके पता लगेगा करण इंटेगुमेंट चो भी कर सकती है पोलन ट्यूब एंटर, करण चलाजा जो भी कर सकती है यूजुअली माइक्रोपाइल चो करेगी। ठीक है चलाजा की गल करिए चलाजा ही कहने अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल से पाया जाता है। कि आप ये भी कह सकते हैं कितना कितना न्यूसेलस का बेसल सोलन पार्ट है, यह भी कह सकते हैं जितों अपनी इंटेगुमेंट्स शुरू होंगी है प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटेगुमेंट्स। ठीक है उस तो बाद मैं गल करा टाइप ऑफ ओव्यूल्स, तीन तरह के ओव्यूल्स है इन्ना वैसे एक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, वैसे सिक्स सिक्स टाइप ऑफ लिखा हुआ है इन्होंने तो आई डोंट थिंक तेनों इन्ना करने की लड़ है, बिल्कुल भी नहीं लड़। निगाह रखो बस ऑर्थोट्रोपस कि एनाट्रोपस कि इस तो ज़्यादा करने की बिल्कुल लड़ नहीं है, मैं तुम्हें लिख के दे सकती हाँ। ऑर्थोट्रोपस वो होंगे जिहड़ा ओव्यूल इरेक्ट हो सीधा हो जिहदी बॉडी ऑफ ओव्यूल स्ट्रेट हो। जिवें आप गल करिए मेन इतने समझना है कि माइक्रोपाइल चलाजा और फ्यूनिकल तीनों एक वर्टिकल एक्सिस के हैं जिवें पॉलीगोनम के अंदर होंगे। एनाट्रोपस की गल करा जिहड़ा ओव्यूल है वो 180 डिग्री झुकया होंगे, इस 180 डिग्री कर्वेचर ऑफ फ्यूनिकल होंगे, इस करके जो माइक्रोपाइल रहा है वो हाइलम के नेड़े आ जाता है और नीचे मूव करता है और माइक्रोपाइजा और चलाइजा सेम लाइन के रहते हैं दैट इज हेलियंथस। ये तो इन्ना करने की लड़ नहीं है आई डोंट थिंक सो, तो मैं ये स्किप कर रही हूँ क्योंकि कदे नहीं पूछा जाएगा इन्ना डीप नहीं करते। मेगास्पोरोजेनेसिस की गल करा देखो मैं तुम्हें लैक्चर के स्टार्टिंग के कहा कि जो सिलेबस अप टू डेट है मैं उही करवाऊंगी एक्सट्रा कुछ नहीं करवाऊंगी। मेगास्पोरोजेनेसिस की गल करा जिसकी मैं गल कर रही थी को पानी खत्म हो गया मेरा गला दुख रहा है एनीवेज थोड़ा सा रह गया हूँ तो अपने को ले। एक लास्ट टॉपिक है खत्म कर दिया हूँ इहदे विच असीं चार हैप्लॉयड मैगास्पोर बनाने एक डिप्लॉयड मैगास्पोर तो एक डिप्लॉयड मैगास्पोर तो चार हैप्लॉयड मैगास्पोर बनावांगे आपां एंड मैगास्पोर मदर सैल तो बेसिकली मियोसिस थ्रू इसनों मैगास्पोरोजेनेसिस कहने आ। न्यूसेलस दे इनसाइड होएगी है जो कि एंजियोस्पर्म दी ओव्यूल दे विच पिया हुंदा है। मोनोस्पोरिक डिवेलपमेंट एक क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स के विच, मोनोस्पोरिक डिवेलपमेंट हुंदे आ एम्ब्रियो सैक। देखो आपां जो पढ़िया उपर पोलन की डिवेलपमेंट तो ये डिफरेंस देखते जाइए जिमें जिमें मैं तुम्हें करा जाऊँगी। देखो मेरे को मेगा स्पोर मदर सैल डिपलॉयड सी, उन्हें मियोटिक डिवीजन की टेट्राड बनाया चार हैप्लॉयड मेगा स्पोर बनाए बना ले आ बन गए मेरे को पहले डायोड बनया फिर मेरे को टेट्राड बनया। ठीक है हूँ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की होंगे चार चो जिहड़ा कि चलाजल एंड वाला है। देखो जिवें मेरे को चार है अगर मेरा चलाजल उप एंड उपर है तो उपर वाला जिहड़ा मेगास्पोर है सिर्फ ये फंक्शनल होएगा ये अगे भी सारे काम करेगा बाकी सारे मेरे डीजनरेट हो जाएंगे डिसअपीयर हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे उड़ जाएंगे बस एना याद रखना। इसलिए मोनोस्पोरिक डिवेलपमेंट कहते हैं मोनो मीनस एक इको ही काम करेगा मेरा जो कि चलाजल एंड की तरफ है। ठीक है हुण होएगा कि जिवें मेरे को फंक्शनल मेगास्पोर है ये जिहड़ा मेरा उपर वाला बच्चा सी ऊपर वाला नहीं जो चलाजल एंड की तरफ बचा सी ए फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक बना लेगा वो किवें बनेगा तुम्हें पता लग जाएगा। इसी मैथड में मोनोस्पोरिक डिवेलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक किया जाता है क्वेश्चन आ जाता है कई बार जो 5 मार्क्स के पार्ट्स आते हैं ना फर्स्ट पार्ट सैकेंड पार्ट थर्ड पार्ट या दो पार्ट आते हैं वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है मेरे करंट लग गया एनीवेज द हुण आपां गल कर रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट की डिवेलपमेंट द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मैगास्पोर माइटोटिकली डिवाइड करेगा दो न्यूक्लियस बनाएगा फंक्शनल वाले अंदर हूँ की होएगा फिर डिवाइड करके चार चार तो अठ हूँ ये अठ अपने आप को अरेंज करेंगे वो किदा करेंगे ध्यान न सुनो। हूँ तुम कहोगे मैम एंटीपोडल नीचे आ गए एग सेल उपर चले गए सिनर्जिड उपर चले गए ये गल बनी इसलिए मैं थोड़ा कहा एंडस तो याद करो जो मेरा माइक्रो पाइलैंड है इस बार मेरा माइक्रो पाइलैंड उपर है तो डायग्राम इन्होंने इदा बनाई है तो आप समझा कि जो उपर माइक्रो पाइलैंड है उपर मेरे को दो सिनर्जिड एक एग सैल होएगा विचाले दो सेंट्रल सैल होंगे और पोलर न्यूक्लियाई होंगे बेसिकली और नीचे तीन एंटीपोडल सेल्स होंगे क्योंकि मेरे को अठ सके अठ चो मैंने की किया तीन माइक्रोवल माइक्रोपाइल वाल भेज दे तीन चरासर वाल भेज दे बचे हुए दो मैंने सेंटर च रख ले और हूँ एकदम सैल फॉरमेशन होने की वजह की होएगा उपर वाले यानी माइक्रोपाइल वाले तीनों अड्ड अड्ड सैल बन गए नीचे वाले एंटीपोडल तीनों अड्ड बन गए चरासर वाले विचाले दो सैल्स के कोले जो दो न्यूक्लियस कोले कोई सैल वॉल नहीं बनेगी इस करके
बचे कुचे जो भी है वो दोनों न्यूक्लियस एक सेल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई। हुण इन्हें चरादर एंड उपर बनाए तो दो तीनों एंटीपोडल उपर बनाते, माइक्रोपेल एंड ते दो सिनर्जिड एक एग सेल बनाता, विचाली एक सेंट्रल सेल बन के खुद ब खुद वड्डा जा, क्योंकि उपरले ने सेल बना ली निचले ने बना ली, बचिया विच की दो पोलर न्यूक्लई इन्होंने आपस में मिलकर एक सेंट्रल सेल बना लिया। ठीक है, और ये एक सिनर्जिड पाए जाते हैं, इन्हों का काम की है, दिस इज ऑल्सो की लॉक है, पता सस्पेंस है, तुम्हें अगे जाके पता लग जाएगा की होंगे है फिलिफोम ऑपरेटर्स की होंगे, सॉरी मैं सिनर्जिड कहता गलत ना, फिलिफोम ऑपरेटर्स होंगे ये फिंगर लाइक, ये की होंगे ने, इन्हों का काम की है तुम्हें अगले लैक्चर के पता चल जाएगा। देखो ये यही दसिया है कि माइटोटिकली जो फंक्शनल वाला सी उन्हें दो सेल बनाए, ओ चार बनाए, अठ बनाए, उही चीज़ मैनशन की हुई है दोनों पॉइंट्स में। उस तो बाद अठ जो न्यूक्लियस बन गए हूँ एकदम सैल वॉल्स बन जाएंगी, क्योंकि अजे तक कोई भी सैल वॉल नहीं बनी सी, आप एक तो दो, दो तो चार, चार तो अठ सिर्फ न्यूक्लियस बनाए सी। हूँ की होएगा सैल वॉल बन गई, छे जड़े न्यूक्लियस उन्होंने तो सैल वॉल मिल गई, बचे हुए दो न्यूक्लियस जो सेंटर से उन्होंने सैल वॉल नहीं मिली, इस करके वो पोलर न्यूक्लियाई बन गए, वो सेंटर से आ गए और वो अलग रहन लग गए सारे तो, जिन्होंने फ्यूज होके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिया या सेंट्रल सेंट्रल सेल बना लिया, सेल कहिए या विच दो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस कहिए। और हुण असी की कहांगे, हुण असी ओली गल करते हैं भी असी इनू वो क्यों क्या सीगा कि क्या सी 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड। हुण पता लग गया कि न्यूक्लियस 8 ने पर सेल 7 ही है, समझ आया क्यों क्या सी, इसलिए इतने लिखा हुआ है कि 8 चो 6 नू सेल वॉल मिल गई और सेल बन गए, बचे हुए दो पोलर न्यूक्लियाई जिन्होंने क्या से सेंटर ते आ गए। ये पॉइंट सेम क्यों लिखे है इन्होंने दोबारा, उस तो बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इन एम्ब्रियो सैक, सेम दस्या होया कि माइक्रोपाइलेंट ते एग अपरेटस आ जाएगा। हाँ ये थोड़ा जा मैं दस दिनी, एग अपरेटस की होंगे, एग प्लस टू सिनर्जिड इक्वल्स टू एग अपरेटस। ठीक है, उस तो बाद फिलिफोम अपरेटस की गल करिए, हूँ मैं दस दिया, चलो इसी लैक्चर के आ गया। फिलिफोम ऑपरेटर्स की करते हैं, सिलरजेट के उपर सैलुलर थिकनिंग होंगे माइक्रोपाइल से, फिलिफोम ऑपरेटर्स ये करेंगे पोलन ट्यूब में गाइड करेंगे, आ जा आ जा आ जा इधर आ जा इधर आ जा, इस करके इन्हें फिंगर्स लग दिखाया हुआ है कि फिर उन्होंने गाइड करेंगे पोलन ट्यूब में अपनी तरफ। ठीक है, और चलाजल की तरफ की एंटीपोडल है, बेचारे लार्ज सेंट्रल सेल है जिसके को दो पोलर न्यूक्लियाई ही है, और यही मैं दस रही थी 8 न्यूक्लियट है 7 सेल्ड है। ठीक है, सो आज का लैक्चर इतने खत्म होता है, होगा तुम अपना करना है और मैंने दसना है तुम्हें कुछ समझ आया, और जो नहीं समझ आया वो भी दस दौ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लैक्चर, बाय गाइज।